गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट। ब्रॉडली एग्रीमेंट्स को हम डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन वेरियस बेसिस। तो सबसे पहला जो है दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशन। बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशंस की बात करें तो जो एग्रीमेंट्स हैं उन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है यूनिलैटरल एग्रीमेंट और दूसरा है बायलैटरल एग्रीमेंट्स। यूनिलैटरल एग्रीमेंट्स कौन से होते हैं? यूनिलैटरल एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट्स होते हैं जहाँ पे जो एक पार्टी है एग्रीमेंट की वो फुलफिल करती है अपनी कमिटमेंट, लेकिन दूसरी पार्टी ने अभी तक वो कमिटमेंट जो है फुलफिल नहीं की है, उसने वो कमिटमेंट फुलफिल अभी करनी है। फॉर एग्जाम्पल, ए एग्री करता है कि वो सेल करेगा गुड्स बी को 1 मंथ के क्रेडिट पर और ये कह के इमीडिएटली गुड्स को डिस्पैच कर देता है। तो ए ने तो अपनी कमिटमेंट पूरी कर दी बट बी ने अभी कमिटमेंट पूरी नहीं की है। जैसे ए और बी ने एग्री किया था कि सेल गुड करेगा ए बी को, तो बी को 1 मंथ का क्रेडिट दिया है उसने, मतलब बी ने पेमेंट 1 महीने के बाद करनी है और ए जो है उसने गुड्स को डिस्पैच कर दिया है। तो ए ने एग्रीमेंट में कमिटमेंट पूरी कर दी बट बी ने अभी उसे करना है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक पार्टी जो है वो एग्रीमेंट की जो कमिटमेंट है फुलफिल कर चुकी है बट अदर हैज यट टू डू इट, तो उसे हम कहते हैं यूनिलैटरल एग्रीमेंट। दूसरा है हमारा बायलैटरल एग्रीमेंट। बायलैटरल एग्रीमेंट्स हम उन्हें कहते हैं जहाँ पे दोनों पार्टीज ने अपनी कमिटमेंट अभी पूरी करनी है या वो साइमल्टेनियसली कमिटमेंट को पूरा करते हैं, क्योंकि हर एक पार्टी का जो प्रॉमिस है वो कंसिडरेशन है दूसरी पार्टी के लिए, तो उसे हम बायलैटरल एग्रीमेंट कहते हैं। जो प्रोमिसेस आपने किए हैं बायलैटरल एग्रीमेंट में वो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, ए ने एग्री किया कि वो सेल करेगा बी को एक एग्रीड प्राइस पर 1 महीने के बाद, बी ने एग्री किया कि वो गुड्स के लिए पे करेगा जब उसे गुड्स मिल जाएंगे, तो बोथ ने कमिट कर लिया। एक का प्रोमिस दूसरे के लिए कंसिडरेशन है, तो इसे हम कहते हैं बायलैटरल एग्रीमेंट। दूसरा जो हमारा बेसिस है दैट इज बेस्ड ऑन मोड ऑफ क्रिएशन। पहला है हमारा एक्सप्रेस एग्रीमेंट और दूसरा है हमारा इम्प्लाइड एग्रीमेंट। एक्सप्रेस एग्रीमेंट में क्या है कि जहाँ पे आपने प्रपोजल किया है, व्हेन अ प्रपोजल इज मेड, आपने प्रपोजल किया है और एक्सेप्ट हुआ है एक्सप्लिसिटली, मतलब खुला जो इंडिकेशन है आपको बाय वर्ड ऑफ माउथ और इन राइटिंग आपको मिला है कि वो एग्री कर रहा है, प्रपोजल आपका एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम कहते हैं कि वो एक्सप्रेस एग्रीमेंट है। फॉर एग्जांपल, ए ने कहा कि वो अपनी कार बेचना चाहता है 50,000 में और उसने प्रपोजल किया बी को जो उसे बाय करना चाहता है। बी ने बाय वर्ड ऑफ माउथ ओरली या राइटिंग में कहा कि हाँ मैं आपकी जो कार है वो बाय करूंगा, तो ये जो एग्रीमेंट हुआ इसे हम एक्सप्रेस एग्रीमेंट कहेंगे। दूसरा है इम्प्लाइड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट्स जो एक्सप्रेस नहीं होते उन्हें हम इम्प्लाइड एग्रीमेंट कहेंगे। ये जो एग्रीमेंट्स है इसमें आप ओरली या इन राइटिंग कुछ नहीं कहते हो बट आपकी जो थिंकिंग है, बिहेवियर हो या जो आप कर रहे हो, पार्टीज कंसर्न जो कर रही हैं उससे ये इम्प्लाई होता है कि वो एग्री करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बस ड्राइवर है, जब वो बस को किसी स्टेशन पे रोकता है तो रोकने के बाद ये नहीं कहता पैसेंजर्स को, इनवाइट नहीं करता कि आप बस में चढ़ो, वो सिर्फ बस को रोकता है, पैसेंजर्स अपने आप बस में बिना इनविटेशन के चढ़ जाते हैं। तो ये जो साइलेंट इनविटेशन है ड्राइवर ने जो दिया और पैसेंजर ने उसे एक्सेप्ट किया, तो ये इम्प्लाइड एग्रीमेंट हुआ। देन नेक्स्ट जो हमारा बेसिस है दैट इज़ बेस्ड ऑन इन्फोर्सेबिलिटी। इसके बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड हम करते हैं, वॉइड एग्रीमेंट्स एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट्स। वॉइड एग्रीमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन जी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कोई भी एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है उसे हम वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं। वॉइड एग्रीमेंट का ये मतलब नहीं है कि लीगल राइट्स या ऑब्लिगेशन जो है पार्टीज की कॉन्ट्रैक्ट की वो नहीं है, जो एग्रीमेंट है उसका कोई लीगल इफेक्ट ही नहीं होता, वो अवॉइड अब निशियो होता है, मतलब बिगनिंग से ही वो
वैलिड नहीं होता है। जैसे अगर आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हो माइनर के साथ या बिना कंसिडरेशन के आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो वॉइड एग्रीमेंट है। देन जैसे फॉर एग्जांपल ए ने एग्री किया कि वो गुड्स बाय करेगा बी से, गुड्स शिप में थी, समुद्र में थी, ऑन वे टू इंडिया, बोथ ए एंड बी ने एग्री किया टर्म्स पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट की थी, बट बाद में उन्हें पता चला कि उनके एग्रीमेंट करने से पहले ही जो गुड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं क्योंकि जो शिप है वो डूब चुका है। तो इस केसेस में जो एग्रीमेंट है उसे वॉइड माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वॉइडेबल एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है बट एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज एंड नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स, उसे हम कहेंगे वॉइडेबल एग्रीमेंट एज पर सेक्शन 2I ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इस एग्रीमेंट में जो वॉइडेबल एग्रीमेंट है, जो असेंशियल एलिमेंट है फ्री कंसेंट का, वो मिसिंग होता है। जब जो कंसेंट है पार्टीज की एग्रीमेंट में फ्री नहीं है, कोरिजन या अनड्यू इन्फ्लुएंस या मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स और फ्रॉड से की गई है, तो जो एग्रीमेंट है उसे वॉइडेबल माना जाएगा। और जिस पार्टी के ऊपर दबाव डाला गया है, जिस पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है, वो उसको एग्रीमेंट को तोड़ने के लिए आगे आ सकती है और खुद डिसाइड कर सकती है वो कि उसे उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ बंधे रहना है या उसे उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना है। तो जो एग्रीमेंट है वो सिर्फ तब तक वैलिड माना जाएगा जब तक जो दूसरी पार्टी है जिसके ऊपर प्रेशराइज किया गया है, जिसको जिसकी फ्री कंसेंट नहीं ली गई है, वो आगे आके नहीं कहती है कि जो एग्रीमेंट है उसमें मेरी फ्री कंसेंट नहीं थी। फॉर एग्जांपल अजय ने धमकाया विजय को कि वो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दे प्राइस पर जो भी मार्केट प्राइस है उससे हाफ प्राइस पर, नहीं तो वो उसको मार देगा। और जो विजय है उसने डर के एग्रीमेंट साइन कर दिया। अब ये जो एग्रीमेंट है वो वॉइडेबल एग्रीमेंट है क्योंकि विजय को धमकाया गया है। तो इस केस में जो विजय है वो डिसाइड कर सकता है कि उसे जो भी प्राइस मिला है वो प्राइस लेकर उसे एग्रीमेंट के साथ बाउंड रहना है या नहीं रहना है, या वो एग्रीमेंट को तोड़ सकता है। नेक्स्ट इज योर बेस्ड ऑन लॉ एग्रीमेंट। बेस्ड ऑन लॉ को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है लीगल एग्रीमेंट और एक है इलीगल एग्रीमेंट। लीगल एग्रीमेंट का मतलब क्या है, जो एग्रीमेंट है उसके सारे बेसिक एलिमेंट्स अगर असेंशियल एलिमेंट्स हैं वैलिड एग्रीमेंट के उसमें, तो उसे लीगल एग्रीमेंट कहेंगे। सपोज ए एग्री करता है कि वो अपनी सेल करेगा कार बी को 50,000 में और बी एग्री करता है कि वो उसके लिए प्राइस पे करेगा, तो ये एक लीगल एग्रीमेंट है। नेक्स्ट इज इलीगल एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट जो किसी भी तरीके से जो कोई रूल है बेसिक पब्लिक पॉलिसी का या कोई क्रिमिनल नेचर का कोई काम है या इमोरल काम है उसमें इन्वॉल्व है, उसका ऑब्जेक्ट वो है, तो उसे इलीगल एग्रीमेंट कहेगा क्योंकि वो एक्सेप्टेड नहीं है पब्लिक या सोशल नॉर्म से या क्रिमिनल है। तो इसका मतलब जो लॉ है लैंड का, लॉ है कंट्री का, वो उसके अगेंस्ट है, तो उसे इलीगल एग्रीमेंट कहा जाएगा। सपोज ए ने प्रपोज किया बी को कि वो 50,000 रुपये देगा उसको अगर उसने सी को मार दिया, और बी एग्री करता है कि वो सी को मार देगा। फर्स्ट प्लेस में तो जो एग्रीमेंट है वही इलीगल है क्योंकि बी क्या कर रहा है, क्रिमिनल एक्ट कर रहा है, और हालांकि जो बी है वो उसने अपना जॉब अगर कर दिया और उसने सी को मार दिया, और ए जो है वो पीछे हट जाता है अपने वर्ड से और उसे प्रॉमिस्ड जो अमाउंट है वो पे नहीं करता, तो जो बी है वो कोर्ट में नहीं जा सकता क्योंकि अगर कोर्ट में जाएगा तो वो दोनों फंसेंगे क्योंकि उसने इलीगल काम किया है। तो एक जो वॉइड एग्रीमेंट होता है उसका ज़्यादा वाइडर टर्म है वो एज़ कम्पेयर टू इलीगल एग्रीमेंट्स। जो इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं वो वॉइड होते हैं, और जो सारे वॉइड एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनका इलीगल होना ज़रूरी
नहीं है। क्या बोला? कि जो इलीगल एग्रीमेंट है वो वॉइड होते हैं, लेकिन सभी वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होते। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। एक और चीज कि एक इलीगल एग्रीमेंट वॉइड तो है इमीडिएट पार्टी जो एग्रीमेंट की हैं उनके लिए, लेकिन फर्दर अगर उससे जुड़ा कोई कोलेट्रल ट्रांजैक्शन होती है तो वो भी इलीगल मानी जाएगी। सपोज ए और बी एग्रीमेंट कर रहे हैं कि कल बारिश आएगी, और अगर आई तो जो ए है वो बी को 100 रुपये देगा, और अगर नहीं आई तो बी ए को 100 रुपये देगा। तो पहली प्लेस में तो ये बेटिंग है, जुआ है एग्रीमेंट, और विनिंग और लूजिंग चांस की बात है। लेकिन अगर एक पार्टी सी को अप्रोच करती है कि मुझे 100 रुपये का लोन दे दो, और उसे सी को पता है कि पर्पस क्या है, क्यों लोन लिया जा रहा है, और ये जानकर जो सी है वो अमाउंट लोन की दे देता है, तो वो कोलेट्रल ट्रांजैक्शन हो गई। जो एग्रीमेंट हुआ था ए और बी के बीच में उससे वो रीजनल ट्रांजैक्शन थी, उससे फिर जो बी या सी या ए और सी के बीच में ट्रांजैक्शन हुई वो कोलेट्रल ट्रांजैक्शन हुई। तो यहाँ पर जो कोलेट्रल ट्रांजैक्शन है वो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन से निकल के आती है। ओरिजिनल ट्रांजैक्शन से जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनमें से कोई पार्टी किसी थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करती है। जैसे सपोज हम कहते हैं कि ए ने एग्री किया बी के साथ कि वो सी को मार दे और उसके लिए वो उसे 1 लाख रुपये देगा। अब जो बी है उसके पास पैसा नहीं है, और वो उसने अप्रोच किया डी को कि मुझे लोन दे दो, और डी को पता है कि किस पर्पस के लिए लोन लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो बी को लोन देता है। तो जो ट्रांजैक्शन हुई बी और डी के बीच में वो कोलेट्रल एग्रीमेंट था। किसका कोलेट्रल था? जो ट्रांजैक्शन थी ए और बी के बीच में। तो क्योंकि ए और बी के बीच में जो ट्रांजैक्शन थी वो इलीगल है, तो जो बी और डी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है वो भी इलीगल है। नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट और एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट्स। एग्जीक्यूटेड मीन्स है जो हो चुके हैं, वो एग्रीमेंट जिसमें जो पार्टीज हैं उन्होंने अपना जो ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल कर दिया है, तो उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट। जैसे एग्जांपल, ए ने एग्री किया कि वो बाय करेगा स्कूटर बी से 10,000 रुपये में। जब बी ने डिलीवर किया स्कूटर और ए ने पे कर दिया 10,000, तो दोनों पार्टीज ने अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर दिया, तो उसे हम कहेंगे एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट। एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट जहाँ पर जो ऑब्लिगेशंस हैं अभी फुलफिल नहीं हुई हैं, फुलफिल करनी बाकी हैं, तो उसे हम एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट कहेंगे। जैसे एग्जांपल, ए ने अप्लाई किया जॉब और बी ने एग्री किया कि वो उसको जॉब देगा स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। तो अभी नेक्स्ट मंथ शुरू नहीं हुआ, तो जो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ वो एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन इन्फोर्सिबिलिटी। दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है इन्फोर्सिबल एग्रीमेंट, दूसरा है अनइन्फोर्सिबल एग्रीमेंट। इन्फोर्सिबल एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट होता है जिसमें कोई भी लूपहोल्स नहीं है, उस एग्रीमेंट को हम इन्फोर्सिबल बाय लॉ कहते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रोविजंस है लॉ के सब इंक्लूड है। अनइन्फोर्सिबल एग्रीमेंट अनइन्फोर्सिबल एग्रीमेंट वो होता है जो इन्फोर्सिबल नहीं होता है बाय कोर्ट ऑफ लॉ, जिसमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट है एग्रीमेंट में, तो उसे हम कहते हैं अनइन्फोर्सिबल एग्रीमेंट। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।